जासूसी करने वाले चीन का परमाणु जुनून और भी हैरान करने वाला है। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन को एक्सपोज करने वाला सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दावा है कि चीन नेक्स्ट जेनरेशन परमाणु पनडुब्बी बना रहा है जो घातक मिसाइल है, आधुनिक तकनीक से लैस है। कहा यह भी जा रहा है कि उसकी एक सीक्रेट लोकेशन है और वो पनडुब्बी कितनी घातक है ये इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। चीन का न्यूक सीक्रेट एक्सपो। जिनपिंग का परमाणु प्रयोग। अंतरिक्ष से ली गई इन तस्वीरों में जिनपिंग की एटमी सनक कैद। चारों तरफ पानी ही पानी, नीले गहरे समंदर के बीच ड्रैगन की पोल खोलने वाली परमाणु पनडुब्बी। दावा है ये इलाका चीन का है, ये परमाणु पनडुब्बी भी चीन की है, ये एटमी जुनून जिनपिंग का है। दावा किया जा रहा है कि चीन नॉर्थ ईस्ट लियोनिंग प्रोविंस में परमाणु पनडुब्बी बना रहा है। चीन के हलुदाओ पोर्ट पर चीन नई तकनीक से ज्यादा ताकत से लैस अत्याधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है। कहा जा रहा है कि चीन वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के साथ नेक्स्ट जेनरेशन न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर रहा है। दावा यह भी है कि सबमरीन दूर तक प्रलयंकारी प्रहार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल से लैस होगी। अमेरिका से तनाव के बीच चीन की ये विनाशकारी तैयारी डराने वाली है। ताइवान से तकरार के बीच जिनपिंग का ये एटमी जुनून बहुत कुछ कहता है। ये सवाल इसलिए भी है कि चीन एक तरफ अपनी विस्तारवादी भूख को मिटाने के लिए दूसरे देशों की सीमा में दखलंदाजी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अपने जंगी जखीरे में विध्वंसक और विनाशक हथियारों को शामिल कर अपनी सनक और हनक दिखा रहा है। तो एक्सपर्ट्स का दावा है कि चीन की ये परमाणु पनडुब्बी हंटर किलर है। यही नहीं, चीन की बड़ी और ज्यादा घातक पनडुब्बियां बनाने की तैयारियां भी हो सकती है। इस तरीके के दावे भी हो रहे हैं। ये पनडुब्बी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस होती है। इसके अलावा एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम से भी ये लैस हो सकती है। नई सबमरीन इस तरीके के भी दावे किए जा रहे हैं। चीन की बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हो सकती हैं। इसके अलावा सैटेलाइट तस्वीरों में शिप बोर्न न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी दिखाई दिए हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह पनडुब्बी न्यूक्लियर रिएक्टर से लैस होगी। यही नहीं, अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि चीन का फोकस अगली पीढ़ी की सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर पर है। इसके अलावा चीन लगातार अमेरिका से बारूदी बाजी भी लगा रहा है। इसके सबूत पहले भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में ताइवान को एडवांस हथियार दे रहे यूएस के लिए यह टेंशन बढ़ाने वाली खबर। और देखिए, ये जो पनडुब्बी हम आपको दिखा रहे हैं, ये पनडुब्बी वही पनडुब्बी को हमने आपको दिखाने की कोशिश की है जिसका हम जिक्र कर रहे थे और जिसने अमेरिका की टेंशन को बढ़ा दिया है। वैसे ये पनडुब्बी की खासियत तो हम आपको बता ही चुके हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए ये पनडुब्बी चलेगी, इसमें घातक मिसाइलें तैनात होंगी। तो परमाणु पनडुब्बी, वैसे जैसा नाम इसका वैसे काम भी होता है, ये सिर्फ परमाणु ऊर्जा से नहीं चलती है बल्कि घातक परमाणु हथियारों से लैस भी होती है। समंदर में तबाही मचाती है, दुश्मन मुल्क में मातम लाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ सालों से दुनिया के बड़े बड़े मुल्क परमाणु शक्ति की होड़ में हैं। परमाणु पनडुब्बी के मामले में कौन कितना ताकतवर है ये भी आपको बता देते हैं। अमेरिका के पास इस वक्त 52 परमाणु पनडुब्बी हैं, रूस के पास 17 परमाणु पनडुब्बी हैं, इसके अलावा ब्रिटेन के पास 8 परमाणु पनडुब्बी हैं, फ्रांस के पास इसकी संख्या 7 है, चीन के पास भी 7 परमाणु पनडुब्बी हैं इस वक्त। ये बात सच है कि चीन सीधे अमेरिका से टकराने की चाहत रखता है। ये भी सच है कि चीन की परमाणु पनडुब्बी वाली ताकत फिलहाल अमेरिका से कम है, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि चीन लगातार परमाणु हथियार बनाने की होड़ में जुटा हुआ है। तो चीन की समंदर में बादशाहत की चाहत है और इसके लिए वो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया से तनाव बढ़ा रहा है। चीन की जो नेवी है वो अपने विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग को लेकर जापान के ओकिनावा के नजदीक जा पहुंची है। जापान रक्षा मंत्री का दावा है कि लियोनिंग से चीनी फाइटर जेट्स ने 100 से ज्यादा उड़ानें भरी हैं। हालांकि चीन ने जापानी जलसीमा का उल्लंघन तो नहीं किया, लेकिन चीनी नेवी की यह जापान की सबसे नजदीकी पहुंच कही जा सकती है। जापान के सबसे नजदीक चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी से जो तनाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
और इस तनाव की तस्वीरें अगर हम देखना चाहें तो वो कुछ दिनों में आपको सामने आएंगी भी। चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर पर जापानी रक्षा मंत्री नोबुआ किशी का बहुत बड़ा दावा है, और क्या क्या दावा है ये भी एक बार आपको बता देते हैं। चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग से फाइटर जेट्स ने 100 से ज़्यादा उड़ानें भरी हैं, ये नोबुआ की तरफ से कहा गया है। चीन अपनी नौसैनिक ताकतों का ज़्यादा क्षेत्रों तक विस्तार कर रहा है। चीन पर लगातार आरोप लगते भी हैं विस्तारवादी है, लेकिन जापान के जो मंत्री हैं वो ये बता रहे हैं। ओकिडाटो द्वीप के दक्षिण पश्चिम में 160 किलोमीटर और इशिगाकी द्वीप से 150 किलोमीटर दक्षिण में अभ्यास किया जा रहा है, ये नोबुआ की तरफ से बताया गया है। चीन के इन मंसूबों को बताया गया है कि कैसे चीन उस इलाके में अपने विस्तारवाद की जो साजिश है उसको रच रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।